हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस वीडियो को गौर से देखेंगे, नहीं तो आपका 10 लाख रुपये भी लग सकता है और 10 साल का समय भी लग जाएगा और उसके बाद आप रोड पर मारे मारे फिरेंगे, चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। कई मरीजों ने बताया उनको 10 लाख रुपया लग गया और फिर भी उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आई, काफ़ी समय बर्बाद हो गया और उनका बीमारी भी समझ में नहीं आया और बाद में मालूम चला कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग के कारण आपके जो त्वचा हैं बिल्कुल काले हो जाते हैं और ख़ास करके होटल में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। होटल में अभी हाथ जो होगा बुढ़े के तरह ऐसे हो जाएगा, और इसमें तो रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। रिपोर्ट इतने थाक के थाक लगे रहते हैं और कोई आम रोगी नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं। तो MDT 6 महीने तक आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई अच्छा डॉक्टर आपको देगा ही नहीं, कोई कोई 12 महीने चला सकते हैं। तो इसमें केवल और केवल सिर्फ इसमें आराम होगा, जड़ से कभी आपका यह बीमारी ठीक नहीं होगा। जब यह बीमारी ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। MDT का कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है, तो बहुत ज़्यादा MDT का आप प्रयोग कर लिए हैं, MDT लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए रहते हैं, जिसके वजह से आपका चेहरा बिल्कुल काला हो जाएगा। MDT का इस्तेमाल, इसमें आपको MDT के जो प्रयोग होता है माने लगातार अंधाधुंध आप प्रयोग करते हैं, 6 महीने से ज़्यादा इसका प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। 6 महीना से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो चेहरा और शरीर दोनों काले होने लगते हैं। तो MDT से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। MDT दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए, डॉक्टर से अपने डिस्कस जरूर करिए, बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, परमानेंट होगा या टेम्पोरी होगा आपका जान सकते हैं। फ्री के दवाई होने की वजह से आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, लेकिन आप सोच समझकर आपको निर्णय लेनी चाहिए। चमड़ा, स्किन, यदि चमड़ा सुन है तो लेप्रोसी कहलाता है। शरीर के किसी भाग में सुनापन शुरू हो जाए और चमड़ा का रंग बदलने लगे, मोटा होने लगे, काला होने लगे, धब्बे धब्बे आने लगे, फोड़े फोड़े होने लगे, चमड़ा मोटा हो जाए, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो आप इसको लेप्रोसी मान सकते हैं। आँख जो है या तो पलक आपका गिरे नहीं या तो उठे नहीं, या तो गिरे नहीं या तो उठे नहीं। और मुंह आपको खुलना बंद, ज़्यादा नहीं खुल पाएगा, मुंह को टेढ़ा भी कर सकता है, कान आपका मोटा होने लगता है, नाखून जो है इसमें खराब होने लगेगा और पैर से चप्पल निकल जाएगा। जब आप चलेंगे
तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लेप्रोसी के मरीज का ये जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति, ये मेमोरी पावर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। शरीर का सुंदरता, स्मार्टनेस भी काफ़ी आपका घट जाएगा और यौन क्षमता भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा, यौन क्षमता भी काफ़ी इसमें कम हो जाता है। इस बीमारी की वजह से आपका वजन भी लगातार घट सकता है, यानी धीरे धीरे आपका वजन भी कम होने लगेगा। वेट 60 केजी आपका कम से कम वजन रहनी चाहिए। 60 केजी से नीचे है आ रहा है तो आपको सावधान होनी चाहिए। खाने पीने में आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, और होटल में खाना यदि ज़्यादा दिन तक खाएंगे, कैंटीन में ज़्यादा दिन खाएंगे तो आपको लेप्रोसी का बीमारी हो जाएगा। और होटल में काम करने के कारण आप काले, ये लड़का होटल में काम करता था और ये खाना बनाने का काम करता था और इसको बीमारी हो गया लेप्रोसी का बिल्कुल काला हो गया था। तो होटल में आप खाना बनाने का काम करते हैं, यदि पापा मम्मी, यदि माता पिता शुरू में ही मर गए हैं बचपन में ही, तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, उनको भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग की शिकायत हो सकती है। विदेश में ज़्यादा दिन रहने के कारण खाना अगर अच्छा से नहीं मिलेगा तभी भी लेप्रोसी हो जाएगा। न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के वजह से भी आपको यह बीमारी हो जाता है। तो इसमें झुनझुनी कहीं भी मारेंगे तो झुनझुनी आपको आएगा और सुई चुभने जैसा आपको फील होगा और बिजली की तरह झटका लगेगा। बिजली की तरह थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो बिजली की तरह झटका लगेगा। ये लेप्रोसी का पहचान है। जहाँ पर लेप्रोसी यानी कलर बदल रहा है जहाँ पर, तो वहाँ का, यहाँ मान लीजिए आपका एक हेयर है, तो यदि लेप्रोसी यहाँ हो जाए, कलर बदलने लगे, तो यहाँ का केश झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाएगा। और यह बीमारी जो होता है खांसने छींकने से फैलता है। खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का या मास्क का प्रयोग करनी चाहिए। यौन संबंध बनाने से यह बीमारी नहीं फैलता है। और यह बीमारी हाथ पैर में घाव भी कर सकता है जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हाथ पांव पतले पड़ सकते हैं, उंगली पतला पड़ सकता है, और ये हाथ का जो और पैर का फिंगर है, उंगली है, ये मुड़ने लगता है, ये मुड़ने लगेगा आपको। और कलम भी आप होल्ड ज़्यादा देर तक आप नहीं कर पाएंगे। चक्कर आना, हमेशा आपको चक्कर आते रहता है। और इसमें भूख की कमी और वजन का भी धीरे धीरे घटना संभव है। वजन भी धीरे धीरे क्या होगा, आपका घट सकता है। तो पैर से चप्पल निकलना, इस पर आप ध्यान देंगे, कब फेंका जाएगा मालूम ही नहीं चलता है। बहुत लोगों को मुंह में घाव भी हो सकते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, तो इसमें, और कई लोगों को घबराहट भी होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है और बेचैनी भी होने लगता है। और इसमें MDT दवा लेने के कारण आपको उल्टी जैसा मन, पीलिया, जॉन्डिस, ये आपको हो सकता है। MDT के कारण आपका पूरा शरीर काला पड़ने लगता है, वो भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है।
और पीलिया जोंडिस जैसा घातक बीमारी भी आपको लग सकता है साइड इफेक्ट होने के कारण। आँख का रोशनी भी आपका धीरे धीरे जा सकता है। यदि आपका आँख का रोशनी भी कम हो गया है तो होम्योपैथिक इलाज से धीरे धीरे वापस आने लगता है। और यौन संबंध बनाने के चलते बीमारी कभी नहीं फैलता है और ये उसे साथ में बैठकर खाना खाने से भी बीमारी नहीं फैलता है। जहाँ का केश झड़ गया है लेप्रोसी की वजह से ठीक होने के बाद पसीना आने लगता है और वहाँ का केश भी वापस आ जाएगा। भारी कमजोरी लगता है आपको। खाने में आपको वही भोजन लेनी चाहिए जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूत करे। दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा गर्मी के दिनों में आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स में आता है, सूखा फल, और इसमें संतरा के साथ में आपको आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। आंवले विटामिन सी, उसमें जिसमें विटामिन सी मिलता है, ऐसे सब फल आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो भोजन में आपको अच्छे भोजन लेनी चाहिए जो शरीर को स्ट्रांग बनाए। तो ये बीमारी जांच पर जांच आप कराएंगे, उसके बाद भी कहीं जाएंगे तो लोग जांच लिखेगा, जांच में ही आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जांच पर जांच कराते रहते हैं लोग। तो लेप्रोसी का लक्षण आप जानिएगा, जो YouTube पर लोगों ने सर्च किया तो सिम्टम साफ साफ आने लगा और बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया। तो कई लोगों को एक मरीज ठीक हो गए हैं, हाथ में उनको बल ही नहीं मिलता है, ताकत नहीं मिल पा रहा था, उंगली भी टेढ़ा हो गया था, अब उनका उंगली सीधा हो गया है बेचारे का, और हाथ में काफ़ी उनको अब शक्ति आ गया है, पहले नहीं मिला था, सब चीज़ नॉर्मल हो गया है। तो हमने कहा कि थोड़ा लाइव में आकर बता दीजिए, वो भी हाथ केवल दिखा दीजिए, हाथ नहीं दिखाए बेचारे। साउंड को कहे कि रिकॉर्ड में थोड़ा सा डाल दीजिए, बोल दीजिए कि थोड़ा मेरा ठीक हुआ है, देख लीजिए उंगली टेढ़ा था, जो प्रॉब्लम था उनको, लेकिन कुछ साउंड रिकॉर्ड भी नहीं कराए। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज जो है ठीक होने के बाद में इस चैनल पर आते नहीं हैं, आना भी नहीं चाहते हैं। कई लोग बड़ी मुश्किल से साउंड रिकॉर्ड करवा कर दे देता है, जो थोड़ा समझते हैं कि लेप्रोसी के मरीज के लिए ये कितना खुशी का ये बात है। दुनिया में कहीं पर भी जाइएगा, बड़े से बड़े डॉक्टर, छोटे से छोटे डॉक्टर आपको MDT का ही दवा देंगे, और प्राइवेट में कभी भी अंग्रेजी दवा आप न लें, डेप्सोन न लें, क्लोफाजीमाइन न लें, आप MDT सरकारी दवा खाइए, उसमें सारा फ्री में मिलता है। लेकिन यह बात जानते हुए आप MDT का प्रयोग करिए, किस बीमारी का समाधान MDT से नहीं हो सकता है, जर्स समाप्त नहीं होगा, सुनप्पन ज्यों का त्यों बना रहता है, और जैसे जैसे बूढ़े होंगे आपको यह बीमारी विकलांग कर सकता है, अंधापन कर सकता है, और ये नाखून तो गिरेगा ही, हाथ पांव को उंगली को टेढ़ा कर सकता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।